Hello students, welcome to lecture 3 of chapter 1, that is Cell, the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I'm Senior Biology Faculty at PP Savani Center for Excellence. So till now, in two lectures, we have covered the general introduction of cell and the prokaryotic cell. So from this lecture, we will start the eukaryotic cell. ठीक है? तो हम लोग जो है इस lecture से eukaryotic cell start करेंगे. ठीक है? तो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, उसके ऑर्गेनल्स पढ़े, सेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा. ठीक है? और हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ा. अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल से इसमें क्या चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है, क्या चीजें इसमें नहीं होती हैं, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर इस लेक्चर में कवर अप करना है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमको पता है कि उसमें जो है बैक्टीरिया मोनरा जो है वो आता है, सारे बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं. यूकैरियोटिक में हमको ये दिखाई देते हैं, प्रोटिस्ट सेल जो है वो यूकैरियोटिक है, फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है, प्लांट जो है वो यूकैरियोटिक सेल है उसके, और एनिमल में यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है? तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल ऑल आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है? दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ठीक है? अगर यूकैरियोटिक सेल को अगर बोले, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, जिसके पास खुद का एक ट्रू न्यूक्लियस है, वो सेल कहलाता है यूकैरियोटिक सेल. ठीक है? दे हैव ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स. ठीक है? इनके पास ऑर्गेनल्स भी होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, ईआर, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं थे. ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन गिव क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है? तो इसमें कंपार्टमेंट बन जाएंगे. ठीक है? एक तरह से हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब किसी का वन रूम में एक रूम है उसके पास. ठीक है? एक उसके पास झोपड़ी है, गरीब है वो. ठीक है? वही उसका बेडरूम है, वही उसका ड्राइंग रूम है, वही उसका डाइनिंग रूम है, एक ही रूम है उसके पास. ठीक है? बट यूकैरियोटिक सेल हम बोल सकते हैं थोड़ा अमीर है, उसके पास 3 BHK 4 BHK है. ठीक है? एक रूम को उसने एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया हुआ है, दूसरे रूम को दूसरे. ठीक है? पूजा रूम भी है. ठीक है? और घर में सफाई करने वाला उसके लिए अलग रूम है. ठीक है? तो इसमें जो है इसी तरीके से कंपार्टमेंट्स बना दिए हमने. ठीक है? एक सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है और सबका अलग अलग फंक्शन है. ठीक है? जैसे ड्राइंग रूम अलग, बेडरूम अलग, लिविंग रूम अलग. ठीक है? डाइनिंग रूम अलग, पूजा रूम अलग. ठीक है? प्लेइंग रूम अलग, स्टूडेंट्स रूम अलग, ऐसा अलग अलग बना दिया हमने. उसी तरीके से सेल ने जो है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना दिए. तो ये यूकैरियोटिक सेल जो है वो मोर एडवांस्ड है, मोर इवोल्यूटेड है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स. थर्ड पॉइंट, दे हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स. ठीक है? तो इनकी लोकोमोशन के पास ज्यादा जो है डिफरेंट टाइप की लोकोमोशन होगा, काफी कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन होगा, और इनका एक साइटोस्केलेटन होगा, मींस जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करने के लिए एक स्केलेटन, जैसा हमारे बॉडी का स्केलेटन है उसी तरीके से एक सेल का भी स्केलेटन होता है. ठीक है? दे जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स. ठीक है? तो वहां पे हमें न्यूक्लियोइड मिलता था. प्रोकैरियोट का अगर आप डायग्राम फिर से देखेंगे तो वहां पे क्रोमोसोम्स नहीं थे. ठीक है? उसे हम न्यूक्लियोइड बोल रहे थे. यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में है. ठीक है? हमारे अंदर अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम है, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर्स है, सबका दो दो कॉपी है. ठीक है? तो 23 पेयर्स जो है क्रोमोसोम ईच एंड एवरी सेल में होंगे हमारे बॉडी में. ठीक है? जितने भी सोमेटिक सेल्स है सबके अंदर, जो हमारा गैमेटिक सेल्स है, जैसे मेल की बात करें तो स्पर्म, उसमें सिर्फ 23 होंगे, और फीमेल में एग जो है उसमें सिर्फ 23 होंगे. बाकी सारे सेल्स में जो है 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी में मिलने वाले हैं. ठीक है? आगे चलते हैं इसमें हम लोग. तो ये एक जो है हमको दिखाई दे रहा है, एक जो है सेल, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो कि एक प्लांट सेल है. ठीक है? अब प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है, फिर भी कुछ डिफरेंसेस इनके बीच में है. तो सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे होंगे ऐसा नहीं, न्यूक्लियस है इसलिए यूकैरियोटिक बोल रहे हैं, ऑर्गेनल्स है तो यूकैरियोटिक बोल रहे हैं, बट सबके सब सेम होंगे, एक ही फंक्शन करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं. ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी. ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट में सेल वॉल होगी, एनिमल में सेल वॉल नहीं होगी. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट में मिलेंगे, राइबोसोम्स दोनों में मिलेंगे, साइटोस्केलेटन दोनों में मिलेगा, सीलिया फ्लैजेला जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है, तो किसी की बॉडी में कुछ सेल्स में सीलिया होगा, सारे सेल्स में नहीं होगा. सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स हमको जो है मिलेंगे किसमें, एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे. न्यूक्लियस
हमको मिलेगा दोनों में, माइक्रो बॉडीज दोनों में मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है ये एनिमल सेल का है और इससे पहले वाला प्लांट सेल का है। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा वैक्यूल हमको देखने को मिल रहा है, बट एनिमल में सेल में देखें तो हमें वैक्यूल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो प्लांट जो है अपने सेल के अंदर फूड स्टोर करता है, बट एनिमल सेल में फूड स्टोर करने के लिए अलग अलग पोर्शंस हैं, जैसे कि लिवर है, एडिपोज है जो फैट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, मसल्स है, ये खाना स्टोर करते हैं। हर सेल के अंदर खाना स्टोर नहीं होता, पूरी बॉडी का एक जगह स्टोर होता है। प्लांट में क्योंकि लिवर नहीं है, एडिपोज नहीं है, तो हर सेल को अपना अपना खाना खुद ही स्टोर करना है, इसलिए एक बड़ा वैक्यूल यहाँ पर मिलता है हमको। ठीक है, और ये सारे ऑर्गेनल्स हमको देखने को मिल रहे हैं और एक एक ऑर्गेनल को हम लोग एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे हमको डायग्राम में सारे ऑर्गेनल समझ में नहीं आएंगे, बट जब एक एक करके हम समझेंगे तो हमको सारे ऑर्गेनल समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे भी न्यूक्लियस हमको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर एक कवरिंग होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, एक एक करके हम लोग इन लोगों को ऑर्गेनल्स को जो है कवर अप करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट जो है इसमें देखेंगे सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेल में कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि एक लिपिड बाइलेयर होता है। अब लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो ब्लू वाले पोर्शन है राउंड राउंड, दीज आर हेड ऑफ वन लिपिड लेयर और ये उनकी टेल्स है, और नीचे की तरफ वैसा ही है बट उल्टा है, मतलब हेड बाहर की तरफ है, हेड अंदर की तरफ है, टेल्स जो है एक दूसरे को आमने सामने जो फेस कर रही है। तो हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग होता है, पानी की तरफ रहना चाहता है, और जो इनके टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से दूर भागना चाहते हैं। सेल के बाहर भी पानी है ब्लड में, ठीक है, सेल के अंदर भी 70% पानी है, तो टेल्स जो है वो पानी से दूर रहती है और हेड जो है पानी की तरफ फेस करते हैं। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जिसमें हेड है और उसकी टेल्स जो है वो उसके अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसा जो है ये एक 3D स्ट्रक्चर पूरे सेल के ऊपर होगा, एक कवरिंग होगी, ठीक है, और उसमें जो है बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी। तो ये जो बाइलेयर है वो लिपिड की बनी होगी, ठीक है, मोस्टली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें इसमें इस तरीके से एम्बेडेड होगी। ठीक है, प्रोटीन्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, कुछ प्रोटीन्स सेल रिकग्निशन में, सेल को पहचानने में हेल्प करेंगे, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो है वो हमारे सेल एडेरेंस, सेल को किसी दूसरे सेल से अटैच होने में हेल्प करेंगे। तो वो धीरे धीरे करके हम सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे केमिकल स्टडीज ऑन ह्यूमन आरबीसी शोज दैट अ सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ए लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो है मोस्टली फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोलिपिड्स हम बोल सकते हैं, वो होते हैं आउटर पोलर हेड, ठीक है, जो बाहर वाला ब्लू पोर्शन है वो पोलर हेड, एंड इनर हाइड्रोफोबिक टेल्स, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। सो द नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। टेल जो है वो पानी से बचने के लिए जो है वो अंदर की तरफ रहती है और हेड जो है वो बाहर की तरफ रहता है। ठीक है, मेम्ब्रेन्स में हमको जो ये येलो येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो हेल्प करता है उसकी लिक्विडिटी, उसकी फ्लूडिटी मेंटेन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हार्मफुल होता है, बट कोलेस्ट्रॉल एक पर्टिकुलर अमाउंट में तो हमें चाहिए अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शन हम कराना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमको बैड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा, ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, इनको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स दिए। ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक मॉडल आया जिसको हम बोल रहे हैं सैंडविच मॉडल और ट्राइलेमिलर मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में क्या हो रहा है, 3 लेयर्स इन लोगों ने बताए, इन विच ए बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड इज सैंडविच बिटवीन 2 सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। इसमें इन्होंने क्या बोला कि बाहर एक प्रोटीन का लेयर है, ये प्रोटीन का लेयर है और बीच में जो है एक लिपिड का लेयर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रोटीन लेयर जो है 20 एंगस्ट्रॉम का है और लिपिड वाई लेयर जो है वो 35 का है। तो 20 का ये ऊपर वाला हो गया, 35 का ये हो गया और नीचे वाला फिर से 20 का। ठीक है, तो दस टोटल थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है 75 टू 100 तक एवरेज हो सकता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक मतलब जिसके पास वाटर लविंग क्वालिटी भी है और वाटर हीटिंग क्वालिटी भी है, मतलब वाटर सोल्यूबल भी है आधा पार्ट उसका और वाटर इनसोल्यूबल भी है। ठीक है,
समझ गए? तो हाइड्रोफिलिक जो है उसका हेड है राउंड पोर्शन, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हेड एंड फॉस्फोलिपिड बाइंड्स विद प्रोटीन बाय हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड्स, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है और फॉस्फोलिपिड अटैच टू ईच अदर बाय वॉन्डरफिल, टेल जो है आपस से अटैच है और लिपिड का हेड जो है प्रोटीन से अटैच्ड है बाय जो हमारा हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड। ये मॉडल डेवसन एंड डेनिली ने दिया, बट ये रॉन्ग मॉडल था, तो इसको हम सिर्फ हिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे, ये मॉडल हम अब नहीं मानते, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ हिस्ट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, सेकेंड मॉडल दिया रॉबर्टसन ने जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं, बट याद रखिएगा ये हिस्ट्री है, हम इन्हें नहीं मानते हैं, फिर भी हिस्ट्री बेस्ड जो है क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है आपको करते रहने हैं इस पे, ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ जो है जो मॉडल अभी हम मानते हैं वही पढ़ना है, हमको हिस्ट्री के मॉडल्स भी यहाँ पर पढ़ते रहने हैं, ठीक है। तो रॉबर्टसन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑल सेलुलर एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर, डिफरेंस इन केमिकल साइज, ठीक है। तो सारे मेम्ब्रेन सेम है, ऐसा इन्होंने बोला। बोथ द अवर मॉडल्स, ठीक है, रॉबर्टसन का मॉडल और जो सैंडविच मॉडल था दे रिजेक्टेड बिकॉज दे फेल्स टू एक्सप्लेन द इलास्टिसिटी एंड सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, SPM, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब जो कुछ सॉल्यूट्स को और कुछ सॉल्वेंट्स को ही अलाउ करे, ठीक है। सेमी परमेबल एक हम लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करेगा, बट उसके पसंद के। सेमी परमेबल सिर्फ जो है वो सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, बट इतना याद रखना है हमको कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी सेल की जो जो आउटर की लेयर है, ये सारी जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल हम इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमारा एक्सेप्टेड मॉडल है जिसको हम मानते हैं, ये दिया दो साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। दिस इज लेटेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लैमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा लैमा भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन्स अरेंज इन फॉस्फोलिपिड एज ए मोज़ेक पैटर्न, इन्होंने बोला कि लिपिड और प्रोटीन दोनों जो है एक दूसरे में घुल मिल होकर मोज़ेक मॉडल में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का अलग लेयर लिपिड का अलग लेयर, ठीक है। दस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आप एक सी है और उसमें आइसबर्ग खड़े, बर्फ के पहाड़ खड़े हैं, तो प्रोटीन वो बर्फ के पहाड़ है और जो पानी है सी का वो फॉस्फोलिपिड, ठीक है, समझ गए। तो ये मॉडल जो है हमारा सक्सेसफुल मॉडल, हम इसे जो है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल मानते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया, 1972 में दिया। इन्होंने बोला कि इट इज अ क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है ये जो हम देख रहे हैं वो इधर से उधर जो है ऐसे घूम सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है वो सी में, आइसबर्ग जो है वो सी में तैर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है हमको अलग अलग तरह के प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। कुछ प्रोटीन्स जो है वो चैनल्स कहलाते हैं जो पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ मेम्ब्रेन जो है जो सिर्फ एक ही साइड में है, एक ही लेयर, ये बाई लेयर है, एक ऊपर की लेयर एक नीचे की लेयर, तो एक ही लेयर को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। इनका फंक्शन क्या है, वो सिग्नल ट्रांजेक्शन में हेल्प करेंगे, सिग्नल्स को पास करने में, ठीक है। ये हमको दिख रहा है कि प्रोटीन के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोपोर्शन मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, और ये जो है सेल टू सेल एडेशन, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे जो है ग्लाइकोलिपिड है, लिपिड जो है उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लिपिड मतलब लिपिड जो है हमारा फैट जो है, लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच, ठीक है। ये भी हमारे सिग्नल, एक सेल से दूसरे सेल सिग्नल, ब्रेन से लिवर में सिग्नल भेज रहा है ब्रेन, अगर तो ब्रेन का जो सिग्नल है वो सेल की मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करेगा, तो किससे बाइंड करेगा, या तो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेगा या ग्लाइकोलिपिड से बाइंड करेगा, ठीक है। प्रोटीन चैनल जो है, मान लो बाहर से शुगर आया, कार्बोहाइड्रेट आया, ग्लूकोज आया, तो सेल के अंदर इसके थ्रू आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें हम लोग धीरे धीरे आगे इसको समझते जाएंगे, ठीक है। तो चैनल का काम है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चैनल होंगे जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखेगा, ठीक है, जो मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड ना हो जाए, कड़क ना हो जाए। और पेरिफेरल प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्टेशन में,
membrane permeability में help करेंगे, sorry transportation में ही help नहीं करेंगे, ये signal transduction में, signals को transport करने में। और glycoprotein, glycolipid जो बाहर से messenger आ रहा है, जो message लेके आ रहा है, signal लेके आ रहा है, उससे bind करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे cell membranes। अब रेशियो की बात करें, अगर हम लोग रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स, जैसे ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो 52% उसमें प्रोटीन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आरबीसी के, और 40% लिपिड होगा। ठीक है, इसमें 1-2% कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रोटीन देख रहा है, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये सरफेस पे रहेगा, पूरा पार नहीं करेगा, इसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन, जो पूरा पार करेगा, एक रास्ता बनाएगा जिससे आने जाने की चीजें इसमें से जाएंगी, शुगर है अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो इसमें से निकल के बाहर जाएगा। ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो कैरी करेगा इधर से और इधर लेकर आएगा, तो चैनल और कैरियर दोनों जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, दोनों इंटीग्रल है, इंटीग्रल मतलब जो पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, जो प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये सिग्नल्स में हेल्प करेंगे। ये जो हमारा एक लिपिड जो है, लिपिड लेयर रहेगा, एक ऊपर वाला लिपिड लेयर, एक नीचे, इसको हम बाई लेयर बोलते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ऊपर जो है फॉस्फेट हेड होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, और नीचे लिपिड होता है जो फैटी एसिड टेल होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो ऐसे हजारों सैकड़ों मॉलिक्यूल्स जो है एक सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के चार जो है हमारे प्रोटीन्स मिलने वाले हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन एंड ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, समझ गए, जो पूरी तरीके से क्रॉस कर रहा है वो इंटीग्रल, और जो एक साइड में है इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, वो हमारा पेरिफेरल। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर फ्रेम बनाता है, कंटिन्यूअस लेयर बनाता है। ठीक है, मेन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फेटाइल सेरीन। कौन कौन से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनके नाम हमको याद करने पड़ेंगे। फॉस्फेटाइडिल कोलीन, जिसको हम लेसिथिन भी बोलते हैं, फॉस्फेट इथेनॉल अमाइन, ठीक है, जिसको हम सिफेलिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें ये जो प्रोटीन है वो इधर से उधर हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं आगे पीछे 3D में। ठीक है, तो ये जो है वो एक आइसबर्ग की तरह जो है वो वाटर में इधर से उधर मूव कर सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो ऐसे फ्लिप मार के ऊपर की तरफ पहुंच गया, ऐसा फ्लिप फ्लॉप नहीं होने वाला। ये अगर नीचे है तो नीचे नीचे ऐसे ऐसे आगे पीछे घूम सकता है, ये इंटीग्रल है तो ये पूरा पूरा है, आगे पीछे इस तरीके से घूम सकता है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे कि वो एक लेटरल मूवमेंट शो कर सकता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड है। ठीक है, इज द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन वेरियस फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। इन सारे प्रोसेस में ये हेल्प करेगा, कुछ प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आर मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से ज्यादा रिजिड होते हैं, सो इट हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ज्यादा जो है वो इलास्टिक ना हो जाए, उसको थोड़ा इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में, अगर ज्यादा इलास्टिक होने लगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उसे कम इलास्टिक बनेगा, कम इलास्टिक होने लगेगा। ठीक है, तो उस तरीके से कोलेस्ट्रॉल उसे मेंटेन करेगा, वो मेंटेन होगा टेम्परेचर के हिसाब से भी। ठीक है, अगर हम एकदम आर्टिक रीजन में चले जाते हैं तो मेम्ब्रेन जो है हमारे जमने लगेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। बट अगर हम लोग हॉट वेदर में जाते हैं तो मेम्ब्रेन फ्लूइड होने लगेगी, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर स्पेसिफिक भी कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट कम ज्यादा होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सिंगल निकोलसन वाला ही है, पर उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। ठीक है, दस होपेनॉइड्स पेंटासाइक्लिक स्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन प्रोकैरियोट्स। तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल की जगह उसी के जैसा एक मॉलिक्यूल होगा जिनको हम बोलते हैं होपेनॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट्स में होपेनॉइड्स। ये समझ गए हम लोग, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। फंक्शन सेल मेम्ब्रेन्स के, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, द
द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड, ठीक है। अब वो सेलेक्टिवली परमेबल है, किसी को आने देगी किसी को नहीं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज को आने दे रहा है सेल मेम्ब्रेन, बट लैक्टोज को नहीं आने दे रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर है, वो किसको आने देता है किसको नहीं आने देता। फ्लूइड नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर में रखते हैं, आगे जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैसे मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।